इंदौर से खरगोन आ रही महिला का बैग चलती गाड़ी से गायब हो गया। महिला ने बताया कि वह इंदौर से मां शारदा ट्रेवल्स बस में खरगोन आने के लिए बैठी थी। मैंने बैग अपनी सीट के नीचे ही रखा था, मगर बस के हेल्पर ने उसे उठाकर बस की डिक्की में रखवा दिया। जब खरगोन बस स्टैंड पर उतरी तो डिक्की से बैग गायब हो चुका था। जब हेल्पर से पूछा तो उसने पहले मुझे नहीं मालूम का बहाना बनाया, मगर जब महिला ने थाने पर जाने की बात कही तो उसने बताया कि वह कल आपको लाकर दे दूंगा, लेकिन हेल्पर ने आज बैग लाकर नहीं दिया। इस घटना को लेकर महिला पुलिस थाने पहुंचकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। माँ शारदा की बस में बैठे थे हम, 10 बजे गाड़ी है और उसमें ड्राइवर थे और वो हेल्पर भी थे, और वो बोले कि हम बैग हमारे पास रखा हुआ था तो बोले हम डिक्की में रख रहे, इस बहाने से ले गए, डिक्की में रख दिया और हमको पता भी नहीं चला कि बैग उसने कहाँ कर दिया। और हर बार हम बैग डिक्की में रखते हैं, पास में से बैग निकाल के ले गए, बोले बाहर रख रहे डिक्की में, और फिर उन्होंने धामनू से इधर उधर बैग कर दिया। और हमको पता कब लगा, खरगोन आए जब पता लगा कि हमारा बैग गायब हो गया। आपको ये कैसे पता लगा कि धामनू में बैग इधर उधर? उन्होंने बोला कि धामनू में हमने रखा है, इधर उधर, बोला हम तुमको कल ला देंगे ढूंढ के, आज का समय दिया था हमको तो आज, अभी तो गाड़ी भी नहीं आई ना वो आई। ये घटनाक्रम कब का? कल का दोपहर का। आज शिकायत करने पहुंचे आप? हाँ, तो बोला कि आज तुम देख लो, हम तुम्हारा बैग ला देंगे ढूंढ के, तो आज देख लो। क्या वो नहीं लेके आए? बैग में क्या क्या था? बैग में कपड़े थे, नए नए बच्चों की थी, मेरी साड़ी ऑन थी, पैसे भी उसमें रखे थे, ज्वेलरी भी थी। कितने की चोरी है? ये 10-12 हज़ार की चोरी हुई हमारी।